liaison assistant. Yeah, 14th, chief minister on IT. 14th. Prince Amandari Saab. Our directors, Jawal Saab, Asif Saab, all officers of IT department. और सबसे खास तौर पे हमारे मीडिया के दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है बलूचिस्तान की तारीख का। इसमें हम फर्स्ट टाइम एक डिजिटल पॉलिसी बलूचिस्तान की वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये बलूचिस्तान वाहिद सूबा है, फर्स्ट सूबा है, पायनियर है कि हम जो है ना डिजिटल पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक किसी सूबे ने ये लॉन्च नहीं किया। और इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ख़ासतौर पे चीफ मिनिस्टर साहब जनाब कमाल साहब की जो विजन है वो आईटी सेंट्रिक है। और उसमें ख़ासतौर पे जो सर्विस डिलीवरी फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, उसमें आईटी का जो रोल है उसको इस पॉलिसी में उजागर किया गया है। इस सिलसिले में ज़्यादा तो मेरी इस मेरे कुछ वर्ड्स के बाद आपको एक हम कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग देंगे कि इस डिजिटल पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो मकसद है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। और वो कैसे, नॉर्मली आप हर जगह सुनते होंगे कि जी बलूचिस्तान दूसरे सूबों से पीछे है और इसको इतना अरसा लगेगा उन दूसरे सूबों के बराबर आने में। तो उसमें हमारा ईमान है कि हम वाहिद आईटी डिपार्टमेंट, आईटी का की फील्ड, आईटी का सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें ये जो है ना हम जंप्स देंगे और दूसरे सूबों के इक्वल आ सकते हैं। और इसमें हमें कोई दोबारा री इन्वेंट द व्हील करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि आप यूटेम्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान और दूसरे जो हमारे पास NICs और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने साबित किया है कि यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और हम इसको यूज़ करते हुए अपने सूबे को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट हमारा एम है और जो CM साहब की विजन है एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव सर्विस, ये सारे प्रोसेस हम जो है कोई भी ऐसा बनाए कि आपको स्विफ्ट एंड एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ सर्विस हो। तो ये सारी चीज़ें इस तरह हो रहा है। एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, ये अब लॉन्च हो गई है इंशाल्लाह। अब अगले सालों से जो हमारा PSDP होगा उसमें कम अज़ कम, ये इसका हिस्सा है डिजिटल पॉलिसी का कि उसमें कम अज़ कम आपकी जो PSDP हो उसका 5% IT रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे सरफ होगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सडनली। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जब ये शुरू होगा और IT रिलेटेड आपके PSDP के प्रोजेक्ट्स बढ़ जाएंगे तो आपके कनेक्टिविटी और इन सब के मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो वंस अगेन आई एम थैंकफुल मुशादिन साहब, प्रिंस अहमदरी साहब, मैं आपका मशहूर हूँ। और चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ासतौर पे मैडम मुशादिन साहब और प्रिंस अहमदरी साहब को इसमें टास्क किया कि उनकी बिहाफ पे आज ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरमा बुशरा रिन साहिबा, सेक्रेटरी IT रोशन शेख साहब, IT की डायरेक्टर जवाद साहब, IT से रिलेटेड तमाम साथियों और ख़ासतौर पर यहाँ आए हुए हमारे प्रेस एंड मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मुझसे पहले सेक्रेटरी साहब ने वजाहत कर ली इस बात की कि बलूचिस्तान को ये
सआदत हासिल है बल्कि हुई है कि जिसमें हमें एक ऐसा डायनामिक विजनरी और ब्राइट माइंडेड ब्रॉड माइंडेड चीफ मिनिस्टर मिला है और जाम कमाल साहब ने जिस दिन से मुझे आईटी डिपार्टमेंट की ये जो टास्क है बहैसियत लाइजन असिस्टेंट का दिया तो उनका विज़न और उनकी सोच और उनकी जो फ़िक्र थी कि किस तरह हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रसाई इसकी अवेलेबिलिटी और इसकी इफादियत मिले बलूचिस्तान की आवाम को और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मुझे बड़ी खुशी से ये कहना पड़ता है, बड़े फ़ख्रिया में ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी 3-4 दिन कबल एक बहुत अहम सेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ जाम साहब का हुआ है, जूम सेशन था, इंटरेक्टिव सेशन था और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के लिए एक ऐसा तोहफ़ा प्राइम मिनिस्टर का मंजूर हुआ है। जिस तरह आपने देखा होगा अमेरिका में सिलिकन वैली है जो पूरी एक वैली है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान के लिए एक बाकायदा एक टेक्नोलॉजी विलेज का जो है वो ऐलान किया है और ये टेक्नोलॉजी पार्क जो है इंशाल्लाह इसकी जो है टास्क सेक्रेटरी साहब को दे दी गई है और हब के मकाम पर इंशाल्लाह और क्वेटा में भी ये जो है पार्क्स जो हैं वो बनेंगे और मैं समझता हूँ कि इन पार्क्स के बनने से एक बहुत ही बूस्ट आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ज़िक्र करता चलूँ कि जो आईटी पार्क कई सालों से ये मामला जो है वो चला आ रहा है और यहाँ पे हमारे जवाब साहब बैठे हैं कि इन्होंने इस सिलसिले में बड़ी अपनी काविशें की और इस चीज़ को आगे बढ़ाया और ख़ासतौर पर सेक्रेटरी साहब ने जो जितने भी हमारे पेंडिंग मैटर्स हैं या आपने महसूस किया होगा कि आईटी के कई मामलात जो है वो एक तरह से सर्द खाने में पड़ गए थे और इनको जाम साहब ने जिस तरीके से जिस कोशिशों से उजागर किया सामने लाए और हम सब ने एक कम्बाइंड एफर्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही यहाँ पे मीटर दूर एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर माशाल्लाह अपना काम करने लगा है क्वेटा सेफ सिटी के हवाले से और फेज़ वन जो है इंशाल्लाह ताला हमने टारगेट दिया है कि इस दिसंबर में हम क्वेटा सेफ सिटी का फेज़ वन कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह और हम फेज़ टू में जाएंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर आसिफ के साथ और बुशारिन साहिबा के साथ पिछले कुछ दिनों से हमने बड़ी डिलिब्रेशंस की हैं, हम बैठे और हमने इस डिजिटल पॉलिसी पे बड़ा गौर व खौस किया और जाम साहब ने जो हमें गाइडलाइंस दी उनके मुताबिक इंशाल्लाह जैसे ये लाइट्स आ जाएगी, मैं चाहता तो डॉक्टर साहब ये प्रेजेंटेशन आपको वैसे ही दे देते लेकिन जितनी मेहनत से हमने ये स्लाइड्स बनाई हैं डिटेल्स में जो काम किया है उसका इफ़ेक्टिवनेस उसी वक्त होगी जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब आप ये देखिए कि आजकल की जो मॉडर्न एरा में और मॉडर्न दौर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ये सारी जो आईटी से रिलेटेड चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं और इस वक्त हम एक और बड़े इम्पॉर्टेंट काम पे काम भी कर रहे हैं जिसमें सेक्रेटरी साहब और मैं हम दोनों इन्वॉल्व हैं, वो ये है कि बलूचिस्तान का फेस इस वक्त दुबई का जो एक्सपो हो रहा है 2021 उसमें बलूचिस्तान के फेस को हम कैसे लेके जाएं। तो हम तमाम वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी QR स्कैन्स और इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं ताकि जब दुनिया आए और वहाँ क्योंकि एक वर्ल्ड फोरम है और बलूचिस्तान की जो पिक्चर वहाँ जाए चाहे टूरिज़्म की सूरत में जाए या हमारे अपने कल्चर की सूरत में जाए या हमारे फोक और ट्रेडिशन की सूरत में जाए एक बेहतरीन जिसमें IT रिलेटेड जो है वो सारे मामलात शामिल हों। और इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान इस वक्त जो है वो होलोग्राम्स 3D डिजिटल जो लेज़र कट के अंदर मॉडल्स बलूचिस्तान के QR स्कैनिंग मतलब ये सारी मॉडर्न चीज़ों को हम उस एक्सपो 2021 में इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
बलूचिस्तान के विजन को, क्योंकि कोविड की वजह से और पेंडेमिक की वजह से वो कहते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें आप पेपरलेस रखें. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि रोशन साहब ने सीएम साहब के पास जो हमारी कोर कमेटी थी, तो इन्होंने एक आइडिया दिया कि हम क्यों ना क्यूआर स्कैन करें, ताकि जो भी विजिटर वहाँ आए वो अपना मोबाइल जब लाएगा और बलूचिस्तान के मैप के ऊपर, चाहे ग्वादर की तरफ जाएगा या तुर्बत की तरफ आएगा या बलूचिस्तान की जो इंडस्ट्रियल एरिया जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हब में आ रहा है, और अब जैसे मैं आपको बताया एक टेक्नोलॉजी पार्क क्वेटा और हब में ये पार्क आ रहे हैं दोनों, तो वो जब आप जाए, चाहे वो यूरोप से है चाहे वो किसी भी दुनिया से आएगा, बलूचिस्तान में इंटरेस्टेड है, वो बलूचिस्तान के मैप में वो क्यूआर अपने मोबाइल को ले जाएगा तो डायरेक्टली उसके मोबाइल पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो हम जो है उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि टूरिज़म हो और दीगर मामलात हों कि बलूचिस्तान की जो है वो इसमें जो है इस बलूचिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव फेस जाए. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज डिजिटल पॉलिसी में, जो डॉक्टर आसिफ साहब भी आपको बताएंगे, वो है क्वेटा को स्मार्ट सिटी में तब्दील करना. सेफ सिटी तो आपने बिल्कुल देख लिया कि सेफ सिटी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम जनवरी दिसंबर में फ़ेज़ वन कम्प्लीट कर लेंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी इससे बढ़ के है. ये विजन जाम साहब का जो है कि क्वेटा को स्मार्ट सिटी बनाना है, क्योंकि मैंने पूछा था सेक्रेटरी साहब से और इन्होंने मुझे, क्योंकि इनका भी ताल्लुक सिंध से भी रहा है और पंजाब में भी इन्होंने सर्विस की है, अभी तक कोई भी बड़ा सिटी पाकिस्तान का स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट इस गवर्नमेंट को, जाम साहब की लीडरशिप को जाती है, इनकी टीम को जाती है कि क्वेटा को ये स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और जिसकी तफसीलात जो हैं वो डॉक्टर आसिफ साहब अपनी प्रेजेंटेशन में देंगे. स्मार्ट सिटी से समझिए आप पूरे शहर का एक बड़े स्मार्ट अंदाज से मास्टर प्लान बन जाता है, और इसके साथ ही हमारी जो डिजिटल पॉलिसी है, चाहे लिटरेसी है, मार्केटिंग है, डीजी बिज एक और बड़ा फ्लैगशिप है हमारा प्रोजेक्ट, जिसमें हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ख़ास बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ और लॉम्स यूनिवर्सिटी उत्थल के साथ और पंजाब में भी दीगर यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने गवर्नमेंट इनोवेशन लैब का कॉन्सेप्ट लाए हैं. वहाँ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो आईटी रिलेटेड मामलात में अपना रोल प्ले करें, और माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल मेरे ख्याल में एक दो इनके वर्कशॉप्स भी हुई हैं और इस तरफ जो है चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर पूरा डिपेंडेंट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पर ना हो. प्राइवेट सेक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे अब आपका ताल्लुक मीडिया से है, ख़ास तौर पे प्रेस से है, अब आपके अंदर हर शख्स के साथ कुछ ना कुछ एक टैलेंट मौजूद है, कोई जो है अच्छा आर्टिकल लिख सकता है, कोई अच्छी फोटोग्राफी कर सकता है, तो क्यों ना इस फ्रीलांस का यूटिलाइजेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर करें और इस फ्रीलांस के अंदर इंटरनेशनली भी हम अपना मकाम बनाएं. तो इन्हीं अल्फाज के साथ अगेन मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू सेक्रेटरी साहब बुशरा रिन साहिबा कि इन्होंने जो है इस डिजिटल पॉलिसी के मरतब करने में शुरू में हमारे साथ रहीं. जाम साहब ने हमें जो गाइडेंस दी है, जिस तरीके से हम आगे लेके चले हैं, और आज जो हमारे प्रेस के साथियों ने जिक्र किया, जो तकालीफ आपको यहाँ आते हुए पेश हुई हैं, ये यकीनन जो है ख़ास तौर पर सेक्रेटरीट के अंदर, मैं समझता हूँ कि मैडम से भी मैंने अभी डिस्कस किया है, मैं जाम साहब से भी करूँगा कि एटलीस्ट आपकी जो गाड़ियों के लिए कुछ ऐसा स्टिकर का निज़ाम हो या ऐसा सिस्टम हो कि वो चीज़ जो है वो आपको जो है अलाउ करे, सिक्योरिटी जाने कि भाई ये गाड़ी प्रेस की है, ये इनका स्टिकर नंबर है, एंड दे शुड बी अलाउड. तो क्योंकि आप तक हमारी रसाई, जैसे आपने आते ही कहा हमें कि गवर्नमेंट की जो फेस है, मैं समझता हूँ कि हमारा फेस उस वक्त आवाम तक पहुँचेगा जब आप उस फेस को पहुँचाएँगे. अब आप हमारा फेस हैं, और आप ही अगर नकाब के अंदर होंगे या मास्क के अंदर होंगे तो हमारे फेस को कोई नहीं देख सकेगा. तो इन्हीं अल्फाज के साथ आई एम वेरी थैंकफुल जी मैडम टू यू सेक्रेटरी साहब आप, और ख़ास तौर पे आईटी डिपार्टमेंट, जितनी मेहनत से इन्होंने आज ये अपनी स्कीम तैयार की है, जो इस वक्त बिजली की नाफरमानी की वजह से कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करेंगे कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो डॉक्टर साहब आपको दें, और जो सेलियंट फीचर्स हैं हमारे आईटी के, डिजिटल पॉलिसी के, वो आपके सामने हम लाएं.
और फिर मेरे ख्याल में फिर बाद में आप इनको एक सॉफ्ट कॉपी प्रेस को दे सकते हैं ताकि वो पूरी इनको स्टडी भी करें ताकि उस चीज़। थैंक यू जी, इन अल्फाज के साथ आप सबका थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा गफूर रहीम है। पहले मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों को जो आज तकलीफ़ उठानी पड़ी, इंशाल्लाह इसका कोई परमानेंट सलूशन हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि आपको हम यहाँ प्रेजेंटेशन दे सकें, वरना तो मैं प्रेस क्लब ही आ जाती, कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पर लाइट ने हमें धोखा दे दिया, वरना हमारा मेन मकसद जो है ना वो यही था। प्रिंस अली साहब के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट को देखा है और इसकी चीज़ों को जो है वो फोकस करें। रोशन साहब, ही इज़ वेरी डिवोटेड ऑफिसर, साथ साथ आसिफ साहब को मैं नहीं भूल सकती कि इन्होंने भी बहुत काम किया, और पूरा आईटी डिपार्टमेंट। और आज जो इतनी इम्पॉर्टेंट हम पॉलिसी जिसका हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इसका सारा सेहरा जो है वो जाम साहब के सर जाता है, क्योंकि आप ये देखें आजकल जो है ना वो टेक्नोलॉजी का दौर है और पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी के पीछे, तो अगर हम इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे और हम टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे नहीं तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे हमेशा बलूचिस्तान के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि जी बलूचिस्तान पसमानदा है, बलूचिस्तान बहुत पीछे रह गए, तो कम अज़ कम कहीं तो हमारा नाम होना चाहिए वो भी टेक्नोलॉजी में, कि हमने पहल की है और हम जो है सबसे पहले स्मार्ट सिटी होंगे पूरे पाकिस्तान में। तो ये क्रेडिट जाता है जो हमारे विजनरी सीएम जाम कमाल साहब, जिनकी वजह से आज ये हम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ मैं आपको बताती चलूँ, वैसे तो आपको पॉलिसी में वो सारी डिटेल बताएंगे, रोशन साहब ने भी आपको कुछ बता दिया है। टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021 प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एफिशिएंट अकाउंटेबल सर्विस टू मेक बलूचिस्तान अ बेटर प्लेस फॉर डिजिटल बेस्ड एंड नॉलेज बेस्ड बलूचिस्तान। Objectives, what are the main objectives of this policy is district and town connectivity. Number two, to improve digital skills in Balochistan. Number three, in all education departments, in order to remove literacy. To build the digital infrastructure by internet for rapid delivery of applications, contacts and quick service to the people of Balochistan, high level training to the manpower knowledge at all levels to meet the local requirements, to promote wide spread use of IT in government or all over organizations for improvement transparency in functioning the service, to facilitate the people across the information by digital policy. The overall digital policy goal is to boost economy by generation employments in the province. कोई लाइट नहीं है, अंधेरे में नजर भी नहीं आ रहा। तो अभी वैसे रोशन साहब ने काफ़ी डिटेल्ड आपको बताया है, और कुछ अगर प्रेजेंटेशन अब आपको मेरा ख्याल ओरल पे देनी पड़ेगी क्योंकि लाइट नहीं आई, तो मेरे ख्याल एक बहुत अच्छा इकदाम है, इसको सबको सराहने की ज़रूरत है। और आप लोग से मेरी ये ख़ास रिक्वेस्ट है कि इस पॉलिसी को आप लोग के थ्रू आवाम तक पहुंचना चाहिए कि ये कितनी अहम पॉलिसी है जिसे हम लोग आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अगर एक मैं रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे, अगर हम आसिफ साहब की एक पूरी प्रेजेंटेशन सुन के प्रेस की तरफ आ जाएं। लाइट अब नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में लाइट नहीं आ रही है। आसिफ साहब ऐसा करें, आप मेन पॉइंट्स आसिफ साहब डिस्कस कर लें, फिर हम इस चीज़ को कंपाइल करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला फिर उसके बाद कर लें तो अच्छा हो जाएगा, ताकि इनके भी प्रेजेंटेशन में कोई पॉइंट्स होंगे आपके पास वो भी सामने आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ खान है और मैं आईटी डिपार्टमेंट में साइंस सिस्टम एज ए सिस्टम एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। तो आज की जो मेरी बेसिकली प्रेजेंटेशन थी वो इस पॉलिसी जो हमने प्रपोज की थी, जो कि हमारी अप्रूव्ड हो गई है, उसको आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना था, तो उसी पर चलते हैं। जो इसकी सीक्वेंस थी मेरी प्रेजेंटेशन की, वो बेसिकली मैंने पॉलिसी रैशनल आपको बताना था और स्ट्रक्चर बताना था इस पॉलिसी का, कि इसका बेसिकली मेन स्ट्रक्चर क्या है और पिलर्स, एक्शन प्लान्स और आखिर में सम यूज़फुल लिंक्स बताने थे। अब
बेसिकली किसी भी डिपार्टमेंट के लिए ना पॉलिसी एक रीड की हड्डी की हैसियत रखती है। आपको पता है कि पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको गाइड करता है उस डिपार्टमेंट को क्या एक्शंस करने हैं, क्या गोल्स अचीव करने हैं और क्या, और यही पॉलिसी होती है जो कि जज करती है बेसिकली गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को। यानी आपने अगर वो गोल्स, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए पॉलिसी के अंदर, देन योर परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री और गुड। अगर ये आप नहीं करते हो तो ये एक मैयर ऑफ जजमेंट भी है पॉलिसी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना पॉलिसी का, वो हमने जो बनाया है वो बेसिकली जैसे एक बिल्डिंग बनी हुई है ना, पिलर्स के ऊपर बनती है बिल्डिंग, तो इसी तरह हमने भी अपने पॉलिसी में जो है कोई 6 के करीब पिलर्स प्रपोज किए हुए हैं। उसके बाद उस हर एक पिलर के अगेंस्ट पे हमने उनके की इनिशिएटिव्स यानी ऑब्जेक्टिव्स उनके बताए हुए हैं, और एट द एंड हमने क्या किया हुआ है हर की इनिशिएटिव के अगेंस्ट उसके एक्शन प्लान्स यानी शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग जिसमें ये फॉल करता है वो एक्शंस भी इवन हमने अपने पॉलिसी के अंदर बताए हुए हैं। अच्छा, जो 6 पिलर्स हैं उसमें से जो हमारा पहला पिलर है वो बेसिकली है डिजिटल एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि इन्होंने सब ने आपको पता है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ना बाकी सूबों से स्पेशली पंजाब के पीके और सिंध से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफ़ी पीछे हैं। तो पहला पिलर का जो हमारा फोकस ही यही था कि हम बेसिकली इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोप अप करें। इसमें जो पहला पॉइंट है वो बेसिकली प्रोविजन ऑफ इंटरनेट है। आप देख रहे हैं कि सिटीज़ में तो लोगों के पास इंटरनेट की रसाई है, लेकिन हमारे बहुत से रूरल एरियाज़ और डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है। तो ये एक इंटरनेट जो था उस पॉलिसी का की इनिशिएटिव था, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने उनको देना था। और इसके साथ उसके काफ़ी एक्शन प्लान्स हैं इंटरनेट के, यानी अगर उसमें एक एक्शन प्लान ये भी था कि जैसे आपका कोई नया रोड बनता है तो इस पॉलिसी में ये है कि उस नए रोड के साथ फाइबर ऑप्टिक का लिंक ज़रूर जाना चाहिए फॉर प्रोविजन ऑफ इंटरनेट। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, प्रिंस साहब ने भी इस पर काफ़ी बात की, हम डिजिटल हब, डिजिटल हब के हवाले से मैं ये बता दूं कि ये बेसिकली एक ऐसा एरिया आप इसे कह लें जैसे सिलिकॉन वैली आपके सामने कैलिफोर्निया में है या दूसरे, आप क्या करते हो उस एरिया को डिफ़ाइन कर लेते हो जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज़ स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़, हार्डवेयर इंडस्ट्रीज़, एकेडमिया, इंस्टीट्यूशन, ये सारे मिल बैठ के उस एक एरिया में आते हैं और आपको जो है ना IT सर्विसेज, इनेबल्ड सर्विसेज देते हैं। तो ये एक डिजिटल हब का भी इसमें है। तीसरा पॉइंट इसके डिजिटल कियोस्क, डिजिटल कियोस्क का एस्टेब्लिशमेंट है। डिजिटल कियोस्क बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होती है ATM की तरह होती है, जैसे आप पैसे निकालते हैं या कभी आप लाइब्रेरी में गए हो कोई बुक फाइंड करनी हो तो एक कियोस्क होता है, तो उसी तरह हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कियोस्क भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये आपको डिटेल में हमारे प्रिंस साहब बता चुके हैं, क्वेटा में जो है और गवादर में हमारा इनिशियल प्लान है कि सॉफ्टवेयर IT पार्क अब में ये हम इनिशियल फेज़ में करें और इनको डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पे भी लेके जाएं। चौथा, पांचवा जो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव है वो है सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर। आपको पता है इस टाइम हर डिपार्टमेंट के अपना डेटा सेंटर है, अपना डेटा सेंटर की वजह से इंटरऑपरेबिलिटी का भी मसला होता है, किसी के सॉफ्टवेयर यहाँ चल रहे हैं तो वो दूसरे के साथ उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तो हमारा बलूचिस्तान में साइंस एंड IT डिपार्टमेंट में ये इस पॉलिसी के तहत ये विजन है कि हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर बनाएंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में इंशाल्लाह ये इस पर भी काम हो रहा है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पिलर है ना वो बेसिकली है डिजिटल लिटरेसी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़। तो इसमें जो सबसे पहली पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो आपने लोगों को उस पर ट्रेन करना है, उसको उस पर जो है उसकी स्किल्स को इनहेंस करना है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज़ बेसिकली डिजिटल जॉब क्रिएशन। अब डिजिटल जॉब क्रिएशन जो है हमारी कोशिश है और जाम साहब का विजन भी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो सारे एम्प्लॉयज़ को जो IT के हैं वो कैटर गवर्नमेंट में नहीं कर सकते हैं। तो हमारे ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जो कि प्रिंस अहमद अली साहब अपने उसमें बता चुके हैं, DGBiz हमारा एक प्रोजेक्ट है, फ्रीलांसिंग दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू जो है हम क्या करेंगे उन लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पर ट्रेन करके वो अपने घर से ही अच्छे खासी इनकम जो है जनरेट कर रहे होंगे थ्रू दिस डिजिटल जॉब क्रिएशन। इसके अलावा हमारा डिजिटल लिटरेसी एंड कम्पिटेंसी फ्रेमवर्क एक है जो कि इंशाल्लाह हमारी पाइपलाइन में है। उसमें ये है कि जितने भी IT इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रेगुलराइज करेंगे और उनका कम्पिटेंसी फ्रेमवर्क ये बताएगा कि
आया ये जैसे HEC रैंकिंग करती है अपने यूनिवर्सिटीज़ की, उसी तरह जो है ये कंपिटेंसी फ्रेमवर्क में आप इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग होगी कि ये इंस्टीट्यूट जो है इस स्टैंडर्ड्स को मीट करके ना टॉप पे है, ये सेकंड है, इसी तरह। अच्छा, हमने अपने पॉलिसी में सिर्फ ये नहीं है, वुमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं, अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्स, ये हमारे अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्स है, उसके लिए भी हमने रखा हुआ है, उसके लिए भी एक फिक्स्ड कोटा रखा हुआ है ताकि ये जो है ना हमारे IT सेक्टर में वुमेन स्पेशली आ जाएं। इवन IT इज़ बेस्ट, क्योंकि अगर वुमेन जो है ना उनको आप ये फ्रीलांसिंग और इस पे ले आएँ तो वो अपने घर से भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्रोवेंशियल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो कि इन IT इंस्टीट्यूट्स को मैनेज करेगा, उसका भी एक है हमारे इसमें। और ये दूसरा पिलर जब हमारा हो किया तो तीसरे पिलर की तरफ हम आते हैं, वो है डिजिटल सर्विसेज, स्मार्ट सिटीज़ एंड e-गवर्नेंस। e-गवर्नेंस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, उसमें e-हेल्थ भी आ जाता है, e-एग्रीकल्चर भी आ जाता है, e-एजुकेशन भी आ जाता है, तो ये सारी हमारी पॉलिसीज़ के तीसरे उसमें है। और जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब रोशन अली शेख साहब ने बताया कि इसमें जहाँ इससे पहले जो है ना IT को वो अहमियत नहीं दी गई थी, लेकिन जाम साहब कमाल के विजन के मुताबिक ना अभी उन्होंने ये कहा है कि थ्रू दिस पॉलिसी 5% ऑफ टोटल बजट जो है ना वो एलोकेट होगा IT सर्विसेज के लिए। इसमें स्मार्ट सिटीज़ का उन्होंने जिक्र कर दिया है, हमारी क्वेटा में क्वेटा कन्वर्जन ऑफ क्वेटा इनटू स्मार्ट सिटी फिजिबिलिटी का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और वो उस पर काम भी हो रहा है। स्मार्ट सिटी अथॉरिटी एक्ट एक बनना है, वो भी हमारा इंशाल्लाह होगा। अच्छा, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो है हम कोशिश करेंगे कि थ्रू मॉनिटरिंग उनकी फीडबैक उन सिटीजन से लेके उनको ये सारी सर्विसेज दी जाएं। ओपन डाटा फ्रेमवर्क एक है जिसमें मैंने कहा था कि हमारा एक सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, जिसमें हम वो सॉफ्टवेयर जैसे लैम्प टेक्नोलॉजी है, लिनक्स, अपाची, MySQL, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, मैं इसको ये समझ लें कि अगर हमने IT डिपार्टमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स को मर्ज करना है तो हम एक ओपन डाटा या क्लाउड सर्विसेज या इस तरह की एक प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं जहाँ पे इंटर ऑपरेबिलिटी का इशू ना हो, वो एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकें। और इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ ऐड करते चलूँ ताकि पता चले कि एक इस बजट में जिस तरह इन्होंने कहा ना ई गवर्नेंस के लिहाज से हम ई खिदमत का एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जो फैसिलिटेशन सेंटर्स होंगे बिल्कुल अपने पब्लिक के लिए, ताकि उसके अंदर चाहे डोमिसाइल है, जॉब पोर्टल्स है, ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट है और ये तमाम चीज़ें उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताता चलूँ कि वो इस प्रेजेंटेशन से भी ज़रा हटके है तो रह जाएगी, वो ये है कि इस दुबई एक्सपो 2021 में एक सेक्शन हमें स्पेस का भी मिला है, गैलेक्सी और स्पेस का, तो हम उसको भी जो है मिस नहीं कर रहे हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू सेक्रेटरी साहब कि इन्होंने इनको जो है वो जाम साहब ने टास्क दिया है वो स्पेस ऑब्जर्वेटरी वाले से भी, मेरे ख्याल में ताहिर साहब से आप बात कर रहे हैं ताकि हम एटलीस्ट क्वेटा की सतह तक स्पेस ऑब्जर्वेटरी इसका सिलसिला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर भी आपको जो है अगर फलकियात से कोई शौक़ है, देखना चाहते हैं तो वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहाँ और भी हैं तो कुछ सितारे भी आप देख लें, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। सर, सितारों के हवाले से मैं हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि बेसिकली है यही सितारे दिखाने के लिए है। चौथा पिलर हमारा जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रमोशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन की हम इसमें बात करते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसमें मैं अगर एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रख दूँ ना आपको सब सिनेरियो समझ आ जाएगा कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। 2000 के ज़माने में आप सबको पता है कि एक कौन सी जो नोकिया एक कंपनी थी उसके मोबाइल सबसे ज़्यादा मशहूर थे, इवन अरे 3310 का नाम सुना होगा, मेरे पास भी वही था। तो नोकिया 3310 एक कंपनी थी, वो इतनी मशहूर थी कि यार दूसरे बंदे के पास उसका मोबाइल था। व्हाट दे डिड इज़ उनका फोकस सिर्फ हार्डवेयर रहा शुरू से लेके, नोकिया 3310 को आप तीसरे मंजिल से भी गिरा दो तो वो टूटेगा नहीं, दे हैव नेवर फोकस्ड, जबकि वहाँ पे ही टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफॉर्म हो रही थी, वो जा रही थी
एंड्रॉयड की तरफ वो जा रही थी, आपके iOS की तरफ, एप्लीकेशन की तरफ। तो आपने देखा जो नोकिया का CEO था वो रोया था कि हमने क्या खता की, लेकिन वो जो था ट्रांसफॉर्म नहीं किया उन्होंने अपने आप को। तो ये आज देखें, आज इस जितने भी हमारे स्टाफ बैठे हुए, किसी के पास नोकिया का मोबाइल नहीं है। तो उसकी रीज़न यही है कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है बेस्ड ऑन न्यू। इसमें हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बड़ा रोल है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप जान सकें कि फ्यूचर के एस्पेक्ट्स क्या हैं और आपने उसी तरफ जाना है। मैं आखिरी हमारी पांचवे पिलर्स की तरफ आता हूँ। देखें, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपके पास जो नेटिजन्स हैं, जो कि बेसिकली इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, उसकी तादाद बढ़ जाती है तो इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। इश्यूज़ को टैकल करने के लिए हमने पांचवा पिलर दिया हुआ है, वो सिक्योरिटी डिज़ास्टर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। उसमें हमारे ये जो सिटीजन्स हैं उनको भी गाइड करना है, उनको भी ट्रेन करना है कि आपने इंटरनेट में ये चीज़ इस तरह करनी है। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी के लाज हैं, दूसरे लाज हैं, उन पर भी हमने फोकस करना है। और अपना IT डिपार्टमेंट एक पेरेंटल रोल अदा करेगा, जिसमें वो ये करेगा कि जो जितने भी डेटाबेसेस हैं उनको सिक्योरिटी के लिए एक मेन जैसा अप के तौर पे काम करेगा। लास्ट पिलर जो कि बेसिकली ये जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है। तो डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से बताऊँ कि हम लोग जो हैं इसमें ई कॉमर्स में और इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल फ्रेमवर्क एक प्रपोज करेंगे, जिसमें आपके जितने भी ट्रांजैक्शन रिसीट्स होंगे या किसी भी उसमें, वो सारे डिजिटल फॉर्म में होंगी। एक बिज़नेस पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जो कि business.gov.pk के नाम से होगा। उसमें आपके जितने भी वेंडर्स आते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज आती हैं, तो उनके लिए आसानी होगी, वो इस एक पोर्टल के थ्रू ही अपने सारे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि हम गवर्नमेंट में जितना भी कर लें, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, तो हमारी कोशिश है कि डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं। और इसी के साथ जो है, मैंने कुछ यूज़फुल लिंक बताए थे, वो इंशाल्लाह आपको के साथ शेयर हम खुद एट दी एंड कर लेंगे। तो डिजिटल पॉलिसी का बेसिकली मकसद यही था कि डिपार्टमेंट ने कैसे आगे मूव करना है 3 सालों में 5 सालों में 10 सालों में। तो इंशाल्लाह एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि हम इंशाल्लाह इस पे कोशिश करेंगे कि ये इसको हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकें। जी, USB जी जी दिया है वो, जी हाँ, प्रेस को कुछ को हार्ड कॉपीज दी हैं, कुछ को क्यू। ये आपके साथ ये डिजिटल पॉलिसीज के हम USB में भी लाए हैं, कुछ के साथ आप शेयर कर लें। बाकी ये डिजिटल पॉलिसी हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है, ये कोई भी पब्लिक, कोई भी आप उसमें हमारे balochistan.gov.pk पे जाके ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, दे इनको सवाल से पहले एक सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूँ। आप इमेजिन करें, साथ साथ ये जो डिजिटल पॉलिसी पे काम हो रहा था, ये अप्रूव हुई, तो हमने इस साल के PSDB में, गुज़श्ते साल के PSDB में टोटल हमारे नए प्रोजेक्ट्स सिर्फ 2 थे और उनका उनकी कॉस्ट थी 220 मिलियन। लेकिन इस मरतबा तकरीबन 2 बिलियन के प्रोजेक्ट्स PSDB में हमारे रिफ्लेक्ट हुए IT डिपार्टमेंट के, और जो IT प्रोजेक्ट्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के वो भी उसके अलावा हैं। अच्छा, जो हमारे अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें IT पार्क है, उसको हमने पुश किया है, वो ज़्यादा हमने उसकी ज़मीन की लैंड एक्विजिशन भी की है, एक बड़ा अच्छा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा। दूसरा, हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ होगा। और अभी जिस तरह आपको प्रिंस साहब ने बताया कि और उस सिलसिले में कल भी मीटिंग हुई थी, परसों प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और CM साहब के साथ, वो है स्पेशल टेक्नोलॉजिकल जोन्स। और ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। आपने सिलिकॉन वैली और इनके नाम सुने होंगे, उस तरह का कॉन्सेप्ट है। पहले इसमें बलूचिस्तान शामिल नहीं किया गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, बाद में चीफ मिनिस्टर साहब के स्पेशल बात करने से हमने उनको कहा कि जी बात करें, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें न सिर्फ क्वेटा को शामिल किया है
लेकिन अब दूसरा हब को भी हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी इवन कोशिश होगी कि हम सीपैक के थ्रू गवादर को भी इसमें शामिल करें, इसलिए कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर एक आपका सॉफ्टवेयर सॉरी स्पेशल टेक्नोलॉजिकल जोन बन गया तो समझें कि आपकी इनोवेटिव इंडस्ट्रीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके साथ फिर सारे उसके सम्राट जिसमें जॉब क्रिएशन है, एम्प्लॉयमेंट है, दूसरे इसके फ़ायदे हैं। उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको क्वेटा सेफ सिटी का बताऊँ, ये 2016 से प्रोजेक्ट पेंडिंग था, अब हमने इसको काफ़ी पुश किया है। इस मरतबा पहली मरतबा मुहर्रम अल हराम को हमने उसका पूरा रूट क्वेटा सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स के ये कैमराओं के साथ हमने कवर किया और हम अब उसको फास्ट ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। ये इमरजेंसी कंट्रोल रूम यहाँ काम कर रहा है, उसकी जो बिल्डिंग है उसकी उस पर काम शुरू हो गया है, वो सीपीओ में बनेगी। उसका उन्होंने टाइम दिया था 18 माह का, अब हम उसको उनसे बात करके 8 माह में इंशाल्लाह हो जाएगा। उस वक्त तक ECC इमरजेंसी कंट्रोल रूम यहाँ स्टार्ट करेंगे और जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाएगी तो हम इस पूरे प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म करेंगे। तो ये एक अच्छी खासी अचीवमेंट है। और इसके साथ साथ जो दूसरे कोरोना के हवाले से आपने देखा होगा कि स्कूलों को बंद होने का और दूसरे ये मसाइल का हमें सामना है, तो उसमें अब डिजिटल लिटरेसी, ई क्लासरूम्स, ये सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमारे आ रहे हैं। इसी तरह एक सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट आज मंजूर हुआ है, PSDP में शामिल है, आज उसका PC1 एक इसका मंजूर हुआ है, जिसमें सेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉर ये लोकल सर्टिफिकेट्स एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, उसका भी आज मंजूर हुआ है। और एक सर्वेलेंस एंड कमांड कंट्रोल सेंटर फॉर 22 सिटीज़, अब उन सारे 22 जो है मकामात पे 22 शहरों में आपका पूरे कैमरा और सर्वेलेंस का एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, जो आप यहाँ से भी बैठ के और उनके डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में वो भी बैठ के पूरे कंट्रोल रूम पे। तो कहने का मकसद ये था कि डिजिटल पॉलिसी सिर्फ जो है आपकी एक कागज़ों में नहीं है, उस पर अमल दरामद पहले ही शुरू हो गया है और चीफ मिनिस्टर साहब की विज़न, चीफ मिनिस्टर साहब का इसमें जो है वो इंटरेस्ट IT में बहुत ज़्यादा है और इंशाल्लाह हमें ये काफ़ी फ़ायदा देगा फॉर इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी इन बलूचिस्तान। थैंक यू। अच्छा मैडम, ये जो डिजिटल पॉलिसी करने के लिए काम है, शायद ही क्वेटा के लोग इसको ग्रीट कर पाए, बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए तो ये फॉर भी होगा, क्योंकि हम अगर देखते हैं 4G और 3G 81 के बाद तालाब तौर पर क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ऑन हुआ, बाकी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने पावर शट डाउन, यानी क्वेटा सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए लोड शेडिंग का मसला करना चाहिए, ताकि जब लोड शेडिंग का मसला हल होगा तब लोग इसकी जाने पा जाएंगे। ये कंडीशन तो है, जब ये मसला हल होगा तब हम आगे जा पाएंगे, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? अच्छा, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूँ कि मेरा ख्याल है IT में पहले कभी पिछले दौर में, बल्कि पिछले 20-25 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना इन 3 सालों में हुआ है। अगर हमने इतना अच्छा स्टेप यहाँ तक उठा लिया तो आगे बिजली का मसला भी इंशाल्लाह हल हो ही जाएगा। और मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी से अगर हम बाकी 3 सूबों से मुकाबला करके सबसे आगे आ सकते हैं तो आगे भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ सकती है। हाँ, ये बिजली का मसला ना सिर्फ शहर का है बल्कि पूरे बलूचिस्तान का है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। ये आपको पता है कि इट्स अ फेडरल इशू, तो इसमें जितना हमसे हो सकता है कि हम इस मसले को सॉल्व करें। इसमें मैम, इसी मैम के क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड जवाब मैं बता देता हूँ। इसमें लेटेस्ट हम टेक्नोलॉजीज जैसे इस्लामाबाद में अभी हमारे यहाँ पे बिलिंग सिस्टम जो है ना एम्प्लॉइंग ब्लॉक रेट है, 100 यूनिट तक 1 रुपये 7 रुपये फिर उसके बाद बढ़ जाती है। इस्लामाबाद में अभी टाइम ऑफ यूज़ प्राइसिंग एक लेटेस्ट जो है वो आई हुई है, वो ये करती है कि बेसिकली जो आपके पीक आवर हैं जिसमें बिजली कम होती है उसमें अगर आप बिजली यूज़ करेंगे तो आपसे आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे ऑफ पीक आवर्स हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह इस तरह की भी पॉलिसीज हमारी एनर्जी डिपार्टमेंट वाले कंडर करेंगे, जिसमें आपके ऑन पीक आवर्स, ऑफ पीक आवर्स, इंक्लाइंट ब्लॉक रेट से हट के जो हमारी रियल टाइम प्राइसिंग है या दूसरे प्राइसिंग स्कीम है, तो इससे इंशाल्लाह एनर्जी का मसला काफ़ी हद तक सॉल्व होगा।
मैडम स्मार्ट सिटी में आप क्या सहूलियात देंगे? अभी प्रेस साहब ने जिक्र किया कि आईटी की सहूलत आम आदमी को दी जाएगी। आज से 10 साल पहले जिस मोहल्ले जिस गली में इंटरनेट की सहूलत जो दस्तियाब थी उसने एक ज़रा बराबर भी तरक्की नहीं की। कोयटा में आम लोगों की इंटरनेट तक 100% रसाई, इसमें कितना वक्त लगेगा ये बता दीजिए। और स्मार्ट सिटी में आप क्या क्या सहूलियात देंगे कोयटा के लोगों को? अच्छा, पहली बात ये कि आपका सवाल का जवाब रोशन साहब अभी दे चुके हैं कि अभी जो मुहर्रम गुजरा है वो इसी सेफ सिटी के उस पर मॉनिटर किया गया है और उसको सारा, और बहुत जल्द पूरे क्वेटा में जो है इसको कर दिया जाएगा। मज़ीद आपको जवाब दे रहे हैं, ये बताते हैं। बेसिकली देखें, एक कंसेप्ट है सेफ सिटी का, एक कंसेप्ट है स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी एक अम्ब्रेला कंसेप्ट है जिसमें एक हिस्सा सेफ सिटी या सिक्योरिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी में आपकी हर चीज़ स्मार्ट होगी। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट लैंड इन्वेंट्री सिस्टम, स्मार्ट रेवेन्यू कलेक्शन, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट सीवरेज लाइंस, इसी तरह आप जो भी यूटिलिटीज़ कर रहे हैं, जो भी आपके मेन इम्पॉर्टेंट सर्विस डिलीवरी है वो स्मार्ट है। दूसरा, एवरीथिंग, हर चीज़ आपकी होगी आई टी के, आप के हाथ में जो मोबाइल फोन है ये आपका कनेक्शन होगा हर चीज के साथ। आप घर बैठे उस स्मार्ट सिटी में किसी भी जगह जा सकते हैं, किसी भी जगह ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी भी जगह आपको कोई फर्द लेनी है, कोई आपको सर्टिफिकेट लेना है, पुलिस से करेक्टेड सर्टिफिकेट लेना है, आपको कोई टोकन टैक्स पे करना है, व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करानी है, सारी चीज़ें ऐसी होंगी। अब उसमें ये जो कंसेप्ट है उस तक पहुंचने के काफ़ी स्टेप्स होते हैं। कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से एक फीजिबिलिटी स्टडी हमारी चल रही है, उस पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह हमारा दिसंबर तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, इंसेप्शन रिपोर्ट उसकी आ गई है, उस पर बड़ा ये काम हो रहा है। और मैं भी आपको एक बात बताऊं कि अभी आज भी NITB की टीम आई है, इस्लामाबाद वालों ने ये शुरू किया है, हम अब कोयटा सिटी ऐप एप्लीकेशन उस पर जा रहे हैं, और वो जैसे ही लॉन्च होगी इंशाल्लाह तो उसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, म्यूनसिपल कमेटी से, आपके दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जिस तरह पब्लिक हेल्थ है, वासा है, एक्साइज है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, इन सब की चीज़ें आपके हाथ में, आप अपने उस ऐप से टोकन टैक्स भी पे कर रहे होंगे, फर्ज भी मिल रही होगी, पुलिस को FIR लॉज कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें अब इंशाल्लाह, वो आज मीटिंग हुई है और हमारी कोशिश है कि इन 2-3 महीनों में हम उसे भी लॉन्च करें। एक प्रोसेस है, कुछ चीज़ें जल्दी होंगी, कुछ चीज़ें देर से होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कोयटा सिटी एप्लीकेशन, वो अब हम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि 3 महीनों में हम उसे लॉन्च करें। इस्लामाबाद वाले उसमें फॉर एग्जांपल 25 सर्विसेज दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, मुमकिन है हम सिर्फ 10 से शुरू करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाते जाएंगे। ई खिदमत सेंटर की बात की, लाहौर वाले उसमें बिजली तो है नहीं, आप स्मार्ट सिटी करने जा रहे हैं, यहां 54 है सर्विसेज एक जगह पे एक छत के नीचे दे रहे हैं, ठीक है। हम अभी इस साल इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, और उसमें मुमकिन है हम अगर आप लोगों की तरफ से 32 से करना चाहते हैं। मैडम कह रही मैं एग्जाम साहब, हाँ ठीक है, मैं इंशाल्लाह बताती हूँ। ठीक है सर, जैसे आपने कहा कि प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस है, लंबा पूरा मुकम्मल प्रोसेस तो टाइम लगेगा, स्मार्ट होने में टाइम लगता है, चंद महीनों में भी लगेगा। अभी वो जो बिजली का वो जो कंप्लेन नंबर है मरकजी, अभी मिलाए लाइट जाते ही उसको एंगेज कर देगा, मिसाल के तौर पर बिजली नहीं है, पहले ही प्रोवाइडेड है ना पाकिस्तान से, इस वक्त वासा है कोयटा के शहरी 4000 रुपए में आजकल टैंकर, किससे करें एमडी वासा,
सिटीजन पोर्टल देखिए इसमें कंप्लेंट्स के हवाले से चीफ मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल है जिसको खुद सीएम साहब खुद रोजाना जो है ना वो मॉनिटर कर रहे हैं जो हमने लॉन्च किया था 1.5 महीना पहले इसका यहाँ इफ्तिताह हुआ था लॉन्चिंग हुई थी उसके बाद अगर यहाँ भी कोई चीज़ मसला हल ना हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कंप्लेंट पोर्टल है और हम रोज़ाना हम ऑफिसर्स के ये ड्यूटी होती है कि पहले उनको आके चेक करें कि कहाँ है और ये बात सही है वासा की और इन चंद इदारों की बहुत ज़्यादा मसाइल हैं स्पेशली केस्को के तो इनको ठीक होने की ज़रूरत है लेकिन जितनी आप कंप्लेंट्स करेंगे उसमें उतने ज़्यादा फिर मेरे ख्याल में उनकी ज्यादा उनको ज़्यादा पुलअप किया जाए देखिए इस पर ये पॉलिसी में तो आता है लेकिन इस पर पहले ही काम शुरू हो चुका है लार्मस प्रोजेक्ट है LRMIS वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद कर रहा है और हम उसे उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं और मेरे ख्याल में ये जल्दी कंप्लीट होगा होपफुली इस साल कंप्लीट होगा। अच्छा इसमें जो है सिंध ने और पंजाब ने अपना सिस्टम सारा वो कर लिया है और उनका बहुत बड़ा डेटाबेस है उस डेटाबेस को हमने सपोर्ट करने के लिए हमने स्पेशली एक प्रोजेक्ट जो है वो किया है डेटा सेंटर का तो वो इंशाल्लाह इस साल ऑनगोइंग है प्रोजेक्ट उसमें भी तो ये दोनों मिलके होपफुली इंशाल्लाह इस साल फायदा थैंक यू वेरी मच सो काइंड ऑफ यू सो थैंक यू